हेलो दोस्तों, आपका स्वागत आपके चैनल टीटी प्लेइंग 11 में। आज मैं बात करने वाला हूँ डायमंड बैक्स और सैन डिएगो पैडर्स बेसबॉल मैच के बारे में, जो MLB लीग का होने वाला है। इस मैच के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी टीम के लिए किस पर पिक करना है, किस पर को ड्रॉप करना है। मैं बात करूँगा ड्रीम टीम के बारे में और जो फाइनल टीम होगी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आइए हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। तो दोस्तों, इस मैच की ड्रीम टीम है दोस्तों मैं आपको देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊँगा टेलीग्राम ग्रुप के बारे में प्लस कुछ स्टैट्स के बारे में। दोस्तों, ये आपका अपना टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर ओवरक नहीं कर रहा आप टेलीग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए TT Playing 11, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे और यहाँ से काफ़ी अच्छी अच्छी टीम से काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमा पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो मैच का दोस्तों ये हमारा क्लीन स्वीप रहा है, इसके दोस्तों स्क्रीनशॉट मैं मंगवाने वाला हूँ। इससे दोस्तों सुबह जो मैच मैंने कवर किया ये भी हमारा क्लीन स्वीप गया है, और दोस्तों मैं ट्राई करता हूँ कि हमारे जो मैच है वो ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप ही हो। तो मैं दोस्तों आज के मैच में ट्राई करूँगा कि ये मैच मेरा क्लीन स्वीप जाए। बाकी दोस्तों फर्स्ट मैच है दोनों ही टीमों का, और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि दोस्तों तब तक इन्वेस्ट नहीं एंटर नहीं करनी चाहिए तब तक हर टीम के चार चार मैच ना हो जाए। बाकी दोस्तों आप इस मैच में एक लेस इन्वेस्टमेंट करके तो चल ही सकते हैं। और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको विजन 11 को डाउनलोड करना है। जो विजन 11 है, एक तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन काफ़ी कम है, एक एंट्री फीस कम है, जितने का चांस है वो काफ़ी ज़्यादा है। और दोस्तों अगर आप इस लिंक से डाउनलोड करेंगे तो आपको 300 रुपया बोनस भी मिलने वाला है। तो दोस्तों आप जल्दी से जल्दी इसको डाउनलोड करके चल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ स्टैट्स के बारे में। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों सैटरडे शनिवार को 9 तारीख को सुबह 7:10 पर मैच स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों इसका जो वेन्यू रहेगा वो रहेगा चेज़फील्ड। वेदर रिपोर्ट के बारे में बात करूँ दोस्तों तो बारिश के 1% भी चांस नहीं है, तो आप आराम से इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। हेड टू हेड के बारे में बात करूँ दोस्तों तो इन दोनों टीमों के जो लास्ट 5 हेड टू हेड मैच हुए वहाँ पर 2 मैच एडन की डायमंड बैक्स ने भी किए विन किए हैं, और दोस्तों 3 मैच पैडर्स दोस्तों SDP ने विन किए हैं। दोस्तों आपको मैच को लाइव देखना था, आप स्टार स्पोर्ट्स पर मैच को लाइव देख सकते हैं। कुछ फंटेसी टिप्स देख लीजिए दोस्तों, इन कैचिंग बोथ आर गुड, हावर कार्सन केली इज़ द बेटर। दोस्तों आपको ट्राई करना, आप कार्सन केली को ही अपनी टीम में एज अ कैचर चूज करके चल रहे हो। दोस्तों पिचर देख लीजिए, एमिनो गारेशिया, निक रॉबर्ट, दोस्तों सीन, दोस्तों किनार के सभी आपको पिचर्स प्ले करते दिखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों हमारे पास 2 ही पिचर का ऑप्शन होगा, तो मैं ट्राई करूँ हमें किसी अच्छे पिचर को अपनी टीम के लिए चूज करके चलें। दोस्तों सैन डिएगो पैडर्स टीम हैज़ द अपर हेड ओवर एरिज़ोना डायमंडबैक्स टीम, सो ट्राई टू पिक मोर प्लेयर्स फ्रॉम सैन डिएगो पैडर्स। एंड दोस्तों आपको ट्राई करना है जो SDP है उससे ज़्यादा प्लेयर उठा कर चले, इससे आपके जो जीतने के चांस वो बढ़ जाएंगे। जो SDP है दोस्तों वो एक काफ़ी अच्छी खासी टीम रहेगी AD से। AD भी काफ़ी अच्छी टीम है, लेकिन दोस्तों SDP ज़्यादा अच्छी खासी टीम होने वाली है। समोलिक पिक देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे पेराल्टा और दोस्तों मार्टिस सबसे बेस्ट में बेस्ट चॉइस रहेगी, और SDP है दोस्तों मैनी माचो और दोस्तों रिस्क नेर सबसे बेस्ट में बेस्ट चॉइस रहने वाले हैं। और अगर आप एक ग्रैंड लेके इन्वेस्ट हैं तो दोस्तों आप डल वार्सो को पिक कर सकते हैं, कार्सन कैली को पिक कर सकते हैं, दोस्तों फर्नांडो टैटिस को पिक कर, दोस्तों फर्नांडो टैटिस आप स्मॉल लीग में भी लेके चलने वाले हैं। दोस्तों निक मार्टिन भी काफ़ी बढ़िया चॉइस रहेगी। तो दोस्तों मैं बात करूँगा कुछ की प्लेयर्स के बारे में, दोनों टीमों की प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप देख लीजिए ADA के प्लेयर्स, पेराल्टा, मार्टे, वर्सो, सेमित, निक अहमद, वॉकर और दोस्तों कैली की सभी प्लेयर्स आपको डायमंड बक्स के की प्लेयर्स रहने वाले हैं। और दोस्तों बात करूँ SDP की प्लेयर्स के बारे में तो ग्रीशम काफ़ी बढ़िया चॉइस रहेगी, मकाडो काफ़ी बढ़िया चॉइस रहेगी, दोस्तों फर्नांडो टैटिस काफ़ी बढ़िया चॉइस रहेगी, होस्मर एक काफ़ी खतरनाक चॉइस रहेगी, दोस्तों कैराटिनी भी काफ़ी अच्छा चॉइस रहेगी, आप इनको भी ट्राई करके चला सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस देख लीजिए दोस्तों, दोस्तों डायमंड बक्स से आप पेराल्टा को अपनी टीम में एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन चूज कर चल सकते हैं, मारते को दोस्तों सीमित को और वॉकर इन सभी को आप डायमंड बक्स से कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज करके चला सकते हैं। और SDP पैडर्स के बारे में बात करूँ तो दोस्तों मैनी मकाडो और फर्नांडो टैटिस काफ़ी बड़े चॉइस होने वाली है। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ प्लेइंग 9 के बारे में, दोस्तों प्लेइंग 9 के बारे में आगे बात करेंगे। तो दोस्तों देख लीजिए आपके सामने दोनों टीमों की फुल स्क्वाड दोस्तों जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों मैं इसको दोस्तों आप पॉज कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए अगर आपको पढ़ना है तो। बाकी दोस्तों इसको पढ़ने को बैठूंगा तो ये वीडियो 20 मिनट प्लस की हो जाएगी, तो दोस्तों इसको स्किप करते हैं, वरना आप पॉज करके पढ़ लीजिए क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ प्रोबेबल प्लेइंग 9 के बारे में। तो सबसे पहले बात करूँगा डायमंड बक्स की प्रोबेबल 9 के बारे में। पेराल्टा दोस्तों एक काफ़ी बेहतरीन चॉइस रहेगी, दोस्तों मारते काफ़ी बेहतरीन चॉइस रहेगी, वर्सो एक काफ़ी बड़ा चॉइस रहेगी, दोस्तों सीमित एक काफ़ी बड़ा चॉइस रहेगी, दोस्तों एवरेज चॉइस रहेगी, निक अहमद एक एवरेज चॉइस रहेगी, दोस्तों वोकर एक एवरेज चॉइस रहेगी, दोस्तों
पर मान दोस्तों रिस्की सोच रहेगी, मैं जो दोस्तों एक रिस्की सोच रह सकती है, कार्सन के लिए काफ़ी बड़ा सोच रहने वाली है दोस्तों। ये जो है ये एडी के प्लेयर्स रहेंगे, और मैं बात करूँ पैड्रिस के प्रोबेबल प्लेइंग नाइन के बारे में दोस्तों, ट्रेंड किस में काफ़ी बड़ा सोच रहने वाली है दोस्तों, मेरे से एक काफ़ी अच्छा चॉइस रहेगी। प्रॉफर्ड दोस्तों एक एवरेज चॉइस रहेगी, मैनी मकाडो दोस्तों एक एवरेज चॉइस रहेगी, फर्नांडो टैटिस काफ़ी बड़ा चॉइस रहेगी, रोसारियो दोस्तों एक एवरेज चॉइस रहेगी, होस्मर काफ़ी बड़ा चॉइस रहेगी, गोरेरा दोस्तों एक एवरेज चॉइस रहेगी, और कैराटिनी भी एक काफ़ी अच्छा चॉइस रहने वाली है। तो दोस्तों अब मैं बात करूँगा इस मैच की ड्रीम टीम के बारे में। तो दोस्तों इस मैच की जो ड्रीम टीम है वो मैं बना चुका हूँ, मैं आपको बताऊँगा कि आपको अपनी टीम में कौन से फील्डर, कौन से इनफील्डर, कौन से पिचर, कौन से कैचर को चूज करना है, इन सभी के बारे में हम इसी वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो आपको एंड तक वॉच कर लेनी है दोस्तों। मारते एक काफ़ी बेहतरीन चॉइस रहेगी दोस्तों, पिक करके कन्फर्म चलना है दोस्तों। प्ले करते हैं तो पलेटा दोस्तों एक काफ़ी बड़ा चॉइस रहेगी, अगर प्ले करते तो पलेटा दोस्तों ग्रैंड लीग में कैप्टन के लायक प्लेयर रहेंगे, इनकी काफ़ी अच्छे से प्लेयर रहने वाले हैं दोस्तों। ग्रीसम एक काफ़ी बेहतरीन चॉइस रहेगी, अगर प्ले करते हैं तो मेरे भी दोस्तों एक काफ़ी बड़ा चॉइस रहने वाली है, मेरे दोस्तों कन्फर्म प्ले करेंगे और कन्फर्म आपकी टीम में होने ही होने चाहिए। इनफील्डर सेक्शन के बारे में सोचो, रासोरियो दोस्तों इस प्लेयर ने जो पिछला सीजन था वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तहलका मचा दिया था, और आपको दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि जो पैड था ज़्यादा अच्छी अच्छी टीम रहेगी, तो मैं पे छः का और तीन का कॉम्बिनेशन बनाकर चल रहा हूँ दोस्तों। फर्नांडो टैटिस इस मैच की सबसे बड़ा सोच आप कह सकते हैं, और कैप्टन मैं इनको ही बनाकर चल रहा हूँ दोस्तों। सबसे बड़े प्लेयर का दोस्तों सेलेक्टेड परसेंटेज देखिए, क्योंकि दोस्तों मैं बताता हूँ जो बेसबॉल है ना यहाँ पे दोस्तों लोग तुक्के से टीम बनाते हैं, लेकिन आपको दोस्तों मैं तुक्के से टीम नहीं दूंगा, आपको दोस्तों काफ़ी अच्छे खासी तरीके से एनालिसिस के टीम प्रोवाइड करवाई जाएगी। आपको सिर्फ टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों मैंने अपने होस्मर को पिक किया जो पिछले सीजन में काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देके गया था। मुझे नहीं पता दोस्तों इनके क्रेडिट इतने कम क्यों है, कि दोस्तों कम क्रेडिट का मतलब ये नहीं होता कि वो दोस्तों कम परफॉर्मेंस करके दिखाया, होस्मर एक काफ़ी बेहतरीन चॉइस रहने वाली है। पिचर दोस्तों गुरेरा को पिक करके चल रहा हूँ, ये भी चॉइस काफ़ी अच्छी सी रहेगी। और कैचर के बारे में बात दोस्तों, तो कैचर की आपके पास यहाँ पर दो बड़ी बड़ी चॉइस रहेगी दोस्तों, कार्लोस कैली और दोस्तों कैराटिनी। दोस्तों कैली रहेंगे डायमंड बॉक्स से, और दोस्तों कैराटिनी रहेंगे क्या क्या सैन डिएगो पैडर से। तो दोस्तों आपको ट्राई करना यहाँ पे कैली को ही पिक करके चल रहे हो दोस्तों, तो कैली है वो ज़्यादा बढ़िया सोच रहेगी। अगर कैली प्ले नहीं करते दोस्तों, कैराटिनी को पिक करके चल सकते हैं, टीम का प्रयोग कर लीजिए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मैंने उस टीम में चार आउटफील्डर, तीन इनफील्डर, एक पिचर, एक कैचर को चूज किया है। जो मेरी कैप्टन से दोस्तों फर्नांडो टैटिस है, जो सबसे बेस्ट बेस्ट सोच रहेगी, और जो मेरी वॉइस कैप्टन है दोस्तों रासोरी है। इन मेरे जो कैप्टन और वॉइस कैप्टन है दोस्तों, फिलहाल मैंने बिल्कुल सेफ चूज किया है, क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों इनसे सेफ कैप्टन और वॉइस कैप्टन आपको नहीं मिल सकते, तो मैं इनको अपनी टीम में कैप्टन और वॉइस कैप्टन चूज करके चलने वाला हूँ। बाकी दोस्तों मेरी फाइनल टीम है, इसमें जो भी चेंज अपडेट होगा आपको टेलीग्राम पर बता दिया जाएगा, बाकी फाइनल टीम भी आपको टेलीग्राम पर ही मिलने वाली है। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको पता है वीडियो बनाने, टीम बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो उसके लिए एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।